इतने छोटे ये हेडफोन्स हैं, बट इसकी साइज पे मत जाओ, मैं हैरान हूँ इसका बैटरी लाइफ और साउंड क्वालिटी को लेकर। एक एक करके बात करते हैं। एकदम सिंपलिस्टिक डिजाइन है, नीचे से बस एक टाइप सी का पोर्ट है जहां से चार्जिंग हो सकता है, और बीच में एक लाइट है जो कि चार्जिंग इंडिकेटर, ऑन ऑफ कनेक्टर। ग्लॉस फिनिश के साथ आता है, जहां देखो वहां से ये चमक रहा है। चार्जिंग में इसमें ASAP चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है, जो कि मिलेनियल टर्म है ASAP। तो 5 मिनट्स के अंदर 60 मिनट्स तक का चार्जिंग आप लोगों को मिल सकता है। केस में से निकालने के बाद ये एक ईयरपीस 10 आवर्स तक चलता है, और केस के साथ इसका पूरा लाइफ 50 आवर्स है। अगर फिटिंग की बात करें तो ये हाफ इन ईयर हेडफोन्स है, जिसकी फिटिंग एक्चुअली में अच्छी है यार। मतलब ऐसा यहाँ पे कान के अंदर ऐसे जाता है, और ऐसा ट्विस्ट करेंगे तो ये अच्छा खासा फिट हो जाता है। इतने शॉक्स के बाद मेरा चश्मा भी हिल जाता है, बट ये गिरते ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइट वाइट है ना, तो मुझे इसका फिनिश ख़राब नहीं करके वजह से मैंने इसका एक केस लिया है। इसको मैं ऐसे केस के अंदर रखता हूँ तो ये और अच्छा हो जाता है। स्लाइड करो, आगे ही तुम्हारा ईयरफोन रखा रहता है, उसे निकालो। ये मैंने पर्ल वाइट कलर में खरीदा है, इसमें ब्लैक और ब्लू का भी ऑप्शन है। ऑप्शंस चेक करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इतने सारे गाइड वाइड मिलते हैं, और इसमें से एक सबसे बेस्ट गाइड कौन सा है पता है? ये नॉर्मल FAQ वाला जो बोट ने बनाया है, जिसमें ईयरबड्स इशू है वो सारे इसमें, जैसे वॉइस कॉल में बैड वॉइस, चार्जिंग इशू। और इससे भी अगर तुम्हारे ईयरफोन सॉल्व नहीं हुए, ये देखो, ये एक साल का वारंटी तो है ही, जो क्लेम कर सकते हैं हम लोग कभी भी। टाइप सी का छोटा सा केबल आता है चार्ज करने के लिए ईयरफोन्स। केस के डिजाइन की बात करें तो एक नॉर्मल अच्छा केस आता है, जिसका लिड मैग्नेटिक है। अगर ओपन करेंगे तो अपने आप पेयरिंग के लिए ऑन हो जाता है, और ब्लूटूथ 5.0 के टेक्नोलॉजी के साथ ये फटाफट पेयर हो जाता है दूसरे मोबाइल्स के साथ। इसके पहले मैंने जितने भी ईयरफोन्स यूज़ किए ना, वैसा मैं जब लेट के यूज़ करता था ना, तो ऐसा हाथ वाथ उसको लग जाता था, तो वो पावर ऑफ हो रहा है, ऐसा टच करके म्यूजिक प्ले पॉज हो रहा है। बट इसके जो टच कंट्रोल्स है, वो ना मेरे पिलो से कभी बंद हुए, ना मेरा हाथ का यहाँ ऐसा मुंडी रख के हम लोग सोते हैं, तो यहाँ इसके टच होने की वजह से ना कभी प्ले पॉज हुआ। तो हाँ, लेट के यूज़ करने में मुझे तो ये बहुत पसंद है। और इसके जो कनेक्शंस के साउंड है वो भी प्लीजिंग है, कोई कान में चिल्ला नहीं रहा है कि योर ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर्स। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 13 mm का ड्राइवर है, कि बोट के वेबसाइट के ऊपर लिखा है नॉर्मल बेस और हाई ट्रेबल, जिसके ऊपर मैं हाँ एग्री करता हूँ। साउंड क्वालिटी मैंने आप लोगों को सुनाया, कैसे लगा मुझे बताना। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है जिसमें डॉल्बी एटमॉस में ऑन करता हूँ ना, तो मुझे तो जन्नत जैसा फील होता है। यहाँ वहाँ से दबा दबा ऑडियो नहीं आता, ऐसा एकदम ओपन स्पेस जैसा फील होता है। और दूसरी चीज़, एडिटिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे इसमें बीस्ट मोड है, जिसमें कि लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। नोटिसेबल डिफरेंस आ जाता है कि हाँ ऑडियो फटाफट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसमें बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। बीस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट वाले ईयरपीस पे 3 बार टैप करना। अगर पुराने डिवाइसेस कनेक्टेड है तो उसके ब्लूटूथ में जाके बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे 5 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना, तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे और तुम्हारे नए मोबाइल में पेयर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इसमें नॉर्मल फीचर्स तो सारे ही हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, कॉल उठाना, रिजेक्ट करना, बस वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है। इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट लगाना है तो राइट लगाओ, या फिर लेफ्ट लगाना है तो लेफ्ट कान पे लगाओ, मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी बोट क्लेम करता है कि इसमें 4 कॉर्ड माइक का कुछ सिस्टम है, जो कि 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर, और बीच में ऑडियो प्रोसेसिंग कुछ हो रहा है। सुन के बताओ कि ये प्रोसेसिंग वगैरह अच्छे से हो रहा है कि नहीं। बहुत आराम आराम से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बात करते करते मैं आप लोगों को इसके अंदर की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, जो कि बोट वाले क्लेम करते हैं। उसमें वो लोग क्या क्लेम करते हैं कि वो ऑलरेडी ऑन रहता है, सारे मोबाइल में चलता है, और उसमें हम लोग एकदम आराम से भी बात करेंगे ना। जैसे आप लोग इस माइक में सुन सकते हो, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं चिल्ला तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता हूँ तो ये फिर भी ग्राफ मुझे स्टेबल ही लग रहा है। चिल्लाने के टाइम में ऐसा गंदा आवाज में क्यों बात कर रहा हूँ? इससे पहले मुझे ना ये ईयरफोन्स के डिजाइन स्पेशली कॉल पे बात करने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं थे, सामने वाले इंसान को आवाज ही नहीं आता था। मैंने लास्ट 7 दिन पहले इसे चार्ज किया था, और डेली 2 से 3 घंटा यूज कर रहा हूँ, और ये अभी तक चल रहा है। नंबर्स में बताऊं तो केस का बैटरी 320 mAh का है, और ये जो ईयरबड है इसका बैटरी 35 mAh का है। इसका कनेक्शन रेंज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ईयर पीसेस और फोन्स के बीच में अच्छे खासे लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी इसका सिग्नल स्ट्रांग होता है। ये मेरे फेवरेट ईयरफोन से खरीदे हुए, फिटिंग अच्छी है, आवाज भी अच्छा खासा है, टच कंट्रोल्स तो एक्सीडेंटल टच होते ही नहीं, अल्ट्रा लेटेंसी मोड है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ये, और ये अभी फटाफट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मिल रहा है 1299 के आसपास, तो खरीद लेना। मैंने इसे 1300 में खरीदा है। इस ईयरफोन्स को खरीदने की लिंक इस केस के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर कुछ एक्सपेक्ट करना हुआ इस प्रोडक्ट के साथ, तो मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता कि इसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता ना, तो मजा ही आ जाता। दूसरा चीज जिसमें इम्प्रूव करना है वो है मेरे छोटे कानों की फिटिंग।
अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।